वेलकम टू सीएस एकेडमी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस वाले चैनल पर। हम आज से जो है ना एक नया सीरीज लेकर के आ रहे हैं जो कि होगा आपका गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, यानी हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जब भी आपका अपडेट आएगा तो ए टू जेड चीज का हम जानकारी देंगे, जैसे आपके हो गया एज क्राइटेरिया हो गया, उसके बाद आपके पास क्वालिफिकेशन कितने हो गए, उसके बाद आपका अटेम्प्ट कितना होगा, किस में कितना पोस्ट है, हर एक पोस्ट वाइज आपका जो है ना हर एक चीज का डिटेल हम देंगे। तो जैसा कि आज के पास आज हमारे पास टॉपिक है नबार्ड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए रिक्वायरमेंट 2024, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम सब कुछ बात करेंगे, पोस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, किस पोस्ट में कितना जॉब है, उसके बाद क्राइटेरिया का बात करेंगे, एज लिमिट का बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टोटल पोस्ट का। इसमें आपका टोटल पोस्ट है 102 पोस्ट है। कितने पोस्ट है? 102 पोस्ट है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो रहा है आपका 27/7/2024 से, यानी आज से ही स्टार्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट डेट है अप्लाई करने का 15/8/2024। पे फी एग्जाम पे फी लास्ट डेट, यानी एग्जाम का जो है ना लास्ट डेट है भरने का, पैसा जमा करने का है 15/8/2024। फेज वन एग्जाम डेट है 1/9/2024। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं एज लिमिट का। किसका बात करते हैं हम लोग? एज लिमिट ऑन 1/7/2024 को मिनिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज 30 वर्ष होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन यानी जिसको एज में छूट मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको एज पर द नबार्ड ऑफिसर इन ग्रेड ए वेरियस, यानी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इसमें क्या दिया हुआ है, एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बार एक बार जो है ना इसका आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी का। तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए। किस चीज के लिए? असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए। किसके लिए? असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए, ठीक है। अब है यहां पर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल, यानी किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। क्या है पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल? तो यहां देखिए पोस्ट का नेम, और यहां है हमारे पास पोस्ट नेम, और ये है टोटल पोस्ट। पहला है असिस्टेंट मैनेजर जनरल, ठीक है ना, एएम जनरल। इसमें आपको 50 पोस्ट है। एग्रीकल्चर में है आपको 2 पोस्ट, फिशर्स के लिए आपके पास है वो 1 पोस्ट, फॉरेस्ट्री में है 2 पोस्ट, जियो इंफॉर्मेटिक्स में है 1 पोस्ट, कंप्यूटर और आईटी में है 16 पोस्ट, यानी 16 पोस्ट है कंप्यूटर आईटी में, ठीक है। एस्टेटिक्स में है आपके पास 2 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है 1 पोस्ट, वही एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 2 पोस्ट दिया गया है। बात करें सीए का, यानी कंप्यूटर अकाउंटेंट्स के लिए है, या सॉरी सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 4 पोस्ट है। एनिमल हस्बेंड्री के लिए 2 पोस्ट, फूड प्रोसेसिंग के लिए है 1 पोस्ट, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर 1 पोस्ट, डेवलपमेंट मैनेजमेंट इसमें भी 3 पोस्ट दिया गया है, वही फाइनेंस में आपको टोटल 7 पोस्ट मिलते हैं, जबकि सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास 3 पोस्ट है। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट दिया गया है, और राज्य भाषा के लिए आपके पास 2 पोस्ट दिया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको स्पष्ट मिला होगा। अब बात करते हैं कि इस वाले का जो अप्लाई का जो लिंक है और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी आपको एकदम स्पष्ट क्लियर हो गया होगी। यदि आप इस जानकारी से संतुष्ट है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के इसको शेयर कर दें, ताकि जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं ना उसको जो है ना ये मौका उससे छूट नहीं ना पाए, ठीक है। तब तक के भाई, थैंक यू सो मच।